नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। थर्ड वाला जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल था, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस फार्मूला को हम इसमें फॉलो करेंगे और देखेंगे, इसको भी पहले हम इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। इसको अब हम लिख सकते हैं 50 माइनस 4। देखिए इसको हमने लिख लिया 50 माइनस 4। जब आप 50 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 46। इसी तरह हम दूसरे को लिख लेंगे 50 प्लस। देखिए ये आप 50 में से 4 को माइनस करेंगे तो 46 बचेगा, 50 में 4 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है, ये हमारे पास 50 ए हो जाएगा और 4 हमारे पास बी। और ये देखिए ये आपने बिल्कुल दोनों आपके सेम होने चाहिए, पहले वाले दोनों नंबर भी और लास्ट वाले दोनों नंबर भी। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी ए है तो ये हमारा ये ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। इसको हमने 50 माइनस 4 लिख लिया, इसको हमने 50 प्लस 4 लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट इसी तरह देखें, ये हमारे पास किसकी इक्वल है कि पहले वाले का, ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हमारे पास ए है और ये हमारा बी है। तब आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मीन आप पहले वाले नंबर का भी स्क्वायर कर लें और सेंटर में क्या आएगा माइनस, और दूसरे वाले नंबर का भी स्क्वायर कर लें। अब हमें पता है 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 2500, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 60। और अब हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस, आप इसको माइनस कर लेंगे। 2500 में से जब आप 16 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2484। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं तक आपका होमवर्क है, तीनों फार्मूलाज आपने 3 टाइम्स लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ तक आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने इसी तरह करना है, इसमें आप बड़ा इजीली ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप 1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.96। इसी तरह आप 1 में जब प्लस करेंगे 0.04 को तो आपका आंसर आ जाएगा 1.04। तो इसी तरह वो आपने बना लेना है जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था इस तरह, और फिर इसी तरह आपने उसको नीचे सॉल्व कर लेना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फार्मूलाज को आपने फॉलो करना है और आपका ईजिली सॉल्व हो